वन विभाग वाला आए रहे हैं आलें हर फोटो मन खींच के ले गए मन तो कोनो नहीं कहा फोटो मन खींच लाएँ ले गए फोटो खींच के ले भी ले गए हर फॉर्म मन भरवा के ये कहते हैं तो अनभाखा कौन जो जाए के फॉर्म भरो खाने अनभाखा उकर हम पहुँचे नखे तो फॉर्म भरब कहाँ खूटी जिला के रनिया प्रखंड में आज देखा जाए तो हाथियों के आतंक से परेशान हैं आज इनके साथ साथ किसान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं कई घर को ध्वस्त कर रहे हैं कई घर में रखे अनाज को खा रहे हैं इसी प्रकार आज बहुत ही परेशानी हो रही है आप सब को ये वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस रनिया प्रखंड के पंचायत डहू ग्राम बोंगतेल में अब पिछले 25 तीन 2024 को छह परिवारों के घर को ध्वस्त कर रखे अनाज को खा जाने से आज ग्रामीण दहशत देखने को मिल रही है और आप देना चाहता हूं कि इस गाँव में छह परिवार सहित तीस लोगों को आज कहीं ना कहीं घर में रहने में काफी परेशानी हो रही है आइए सुनाते हैं उनकी समस्याओं को नुकसान तो हमें जैसे घर से निकल गई डर से, से खन, पूरा दरवाजा सहित घर के पूरा ढेके और हमें के कोनो नुकसान करय नहीं पार लग पूरा दुई कदम पार हो गली नहीं तल नुकसान पूरा परिवार के होए रहता से अब तुरंत हमें घर से निकल गली तुरंत घर के गिरा दल हर जंगली जानवर हाथी गो और पूरा वन विभाग वाला मन अल और फोटो खाली घींच दिल हमें के तो कुछ जानकारी नखे का करे का नहीं से के फोटो घींच के ले गल और कुछ कोनो को करलै कि हमारे घर धंस गए ईसन उसन हमें चिंता में पड़ गए कि को नहीं हमें के फोटो घींच के लगे और अथी फॉर्म मन भरबहाल कचियाँ मिली कह के कह दिल चाहे तो कोई लाभ मिली तोहर के कह दिल अगला हमारे अगला कोनो को देव हमें उतना जानकारी ना कहाँ जाए के का कर हमें ले का चाहिए कोनो नुकसानी हो गया हमें गरीब दुखी आदमी है कि घर दूरा कैसन बनाब सरकार बट से कुछ लाभ हो चाहिए तब जो घर के बना হা কৈছো কোনো মৌজা মিলেক চাহি ৰো মনক এথিছে মৌজা কোনো দিলুৱাই দে নি তাত ছ বহুত কৈছো কমাই পোচি ঘৰ দূৰা বনাই কৈছা বনা কটিকো মইটিকো দহন সহায় কৰি বনা হে ৰ মনক এথিছে इस समस्या का जानकारी मुझे जेम्स क्रिकेटा के, के माध्यम से पता चला और मैं इस बोंगतल गांव पहुंचा। पहुंचने के उपरांत हम लोग सभी लोगों से मैं मुलाकात कर हम लोग बैठक किए बैठक में वीडियो स्क्रीनिंग करते हुए हम लोग एक लिखित आवेदन तैयार किए इसके साथ साथ हम लोग सभी का फॉर्म भरे और दिनांक चार चार दो को हम लोग समुदाय के साथ बंद कर ले गए पहुँचने के उपरांत वहाँ के जो फॉरेस्टर हैं बोले कि इसकी मुआवजा के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा ताकि इनको समय पर जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके हमारा वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें